देखिए अवनी एक नेशनल एनिमल है, अवनी द टाइगर स्टीवन, उसके साथ उसका एक मेल कंपेनियन है टाइगर टू टू, उसके दो मासूम बच्चे हैं जिसको शूटेड साइट का ऑर्डर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि अवनी को जो शूटेड साइट का ऑर्डर दिया गया है उसे निरस्त किया जाए, और अगर उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी ही है तो उसको उसके बच्चों के साथ और मेल कंपेनियन के साथ सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट किया जाए। अवनी एक माँ है और जिसके दो मासूम बच्चे हैं, इसके साथ साथ वो एक नेशनल एनिमल भी है। आप अगर राष्ट्रगान नहीं गाते तो राष्ट्रगान का राष्ट्र का अपमान है, आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं तो राष्ट्र का अपमान है, तो एक राष्ट्रीय पशु को मारते हैं तो वो भी तो राष्ट्र का अपमान ही हुआ, क्योंकि वो शी इज़ आर नेशनल एनिमल। तो हम लोगों की सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब सारे एनिमल लवर्स की तरफ से कि प्लीज़ अवनी का शूटेड साइट का ऑर्डर कैंसिल करें। एक देश का भविष्य, एक देश का, एक देश की महानता, एक देश कितना नैतिक है, एक देश अपने इस चीज़ों से पता चलता है कि वो अपने जानवरों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। अवनी महाराष्ट्र के यवतमाल के जंगल में है, उसको शूटेड साइट का ऑर्डर इसलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से वो नरभक्षी है, वो मैन ईटर है, बट इस तरह का कोई एविडेंस मिला नहीं है, क्योंकि वो अगर मैन ईटर होती तो वो गांव में घुस के लोगों को खा रही होती, वो अपने गांव से बाहर नहीं आई है, आज तक उसने अपनी टेरिटरी से बाहर भी कदम नहीं रखा है। तो गांव के लोग किसी भी रीज़न से जाते हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं या किसी भी रीज़न से अगर अंदर जा रहे हैं, तो आप ही बताइए, अगर आपको आपके घर में ऐसा कोई आ जाए जो लगता है कि भाई ये हमारे घर के लिए खतरा है, ही इज़ अ थ्रेट फॉर माई फैमिली, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आप भी अपने घर को और अपने बच्चों को ही बचाएंगे ना, तो वो तो एक जानवर होते हुए अपने बच्चों को बचा रही है, तो वो क्या गलत कर रही है? आप वहाँ के विलेजर्स हैं, उनको वहाँ जाने से रोके, एक कॉमन सेंस होता है, जब हमें पता होता है कि वहाँ शेर है तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई, आप मत जाओ, उसको अपनी जगह पर सुरक्षित रहने दो, हम अपनी जगह पर सुरक्षित रहें। देखिए इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि उसने इंसानों पर हमला किया है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, 14 लोगों की लाश में से सिर्फ 4 का DNA टेस्ट पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें से एक के ऊपर शेर का पंजा मिला है, आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको शेर नहीं मारा है? देर इज़ नो एविडेंस अबाउट दैट। इसीलिए हम, देखिए हम ह्यूमन बींग हैं, हम इंसान की लाइफ की रिस्पेक्ट समझते हैं, इंसान की लाइफ की वैल्यू समझते हैं, हम नहीं कहते कि इंसान मर रहे हैं तो मरने दो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, पर इंसान जो गलती से उसके एरिया में चले गए उसकी सजा एक बेजुबान जानवर और दो मासूम बच्चों को तो नहीं मिलनी चाहिए, और शेरनी अगर मर जाएगी तो उसके बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? एक तरफ आप सेव द टाइगर का अभियान चला रहे हैं, एक तरफ आप टाइगर्स को मार रहे हैं, तो ये तो खुद ही एक इम्बैलेंस हो गया आपके ही डिसीजन में। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अवनी को उसके बच्चों के साथ जीने दीजिए, एक माँ को उसके बच्चों से अलग करना ना ही इंसानी तौर पर सही है और ना ही किसी भी तरीके से एक माँ को उसके बच्चों से अलग करना ठीक है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप देख लीजिए, सब फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं, टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, सब आए हैं यहाँ पर, तो सभी हैं। थैंक यू।